अगर आप सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है। हमारे साथ दिल्ली पुलिस पीसीआर में तैनात कांस्टेबल फिरोज आलम हैं। फिरोज आलम ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया है, 645 स्थान लिया है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 645 है, लेकिन रैंक माने नहीं रखता। जो मेहनत लगन ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने देखा है उसकी तारीफ करते हैं, सीधे बोलते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली पुलिस में आप कहाँ तैनात थे और किस तरीके से ये यूपीएससी एग्जाम है वो क्रैक किया? जी सर, इस समय मैं दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में सीपीसीआर शिफ्ट में तैनात हूँ। और सर, ये यूपीएससी में मेरा फाइनल अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने 3 टाइम प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है बैक टू बैक। 2016 से लगातार मेंस लिख रहा था। आप ड्यूटी भी कर रहे थे, पीसीआर की ड्यूटी भी कर रहे थे, उस दौरान आप तैयारी भी कर रहे थे यूपीएससी की? सर, ड्यूटी के बाद जो समय मिलता था मैं उसको बैलेंस करता था कि कैसे फैमिली फ्रेंड्स और स्टडी के बीच मुझे बैलेंस बनाना है, और उस बैलेंसिंग लाइफ ने मेरी मुझे यहां तक पहुंचने में काफी मदद करी। किन किन लोगों से प्रेरणा ली आपने, कैसा सपोर्ट रहा, किस तरह का ये सफर रहा? जी सर, सबसे पहले जो मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरी फैमिली थी, और जो मेरे गुरुजन हैं, परिजन हैं, स्वजन हैं, मित्रजन हैं, सभी लोगों ने मुझे प्रेरित करा। विशेष रूप से यहां पर आने के बाद जब मैं अपने ऑफिसर से मिला या मैं अपने बैचमेट से मिला, प्लाटून वाले लोगों को देखा, तो उन्होंने भी मेरा काफी सहयोग करा सर, और यही यात्रा मेरी रही सर। किस तरह से आप देखते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या सपने हैं आपके, क्या ड्रीम है आपको? जी सर, भारत सरकार जो भी मेरे को जॉब एलोकेट करती है उसके अनुसार मैं अपना फुल डेडिकेशन के साथ काम करूंगा सर। किस तरह का सफर रहा, क्या क्या तैयारी करते थे, किस तरह से तैयारी करते थे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसके बारे में आप? जी सर, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर था, और बाकी 7 एग्जाम तो सभी के कॉमन होते हैं, तो उसी में कुछ मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी, और जो मेरी परफॉर्मेंस आती थी, जो मेरी कमी वीकनेस थी, उन पर मैं काम करता था, और सर यहां तक पहुंचा उसी को लेकर। नर्वस नजर आ रहे हैं, आपका स्वागत दिया हुआ है आपके डिपार्टमेंट। नहीं सर, सब लोग खुश हैं, ये मेरा परिवार है, दिल्ली पुलिस जो है एक परिवार ही है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की काफी हेल्प करते हैं, कब आदमी आगे बढ़ता है तो सब खुश होते हैं, सभी लोग कितने खुश हैं देख सकते हैं आप लोग भी। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था यूपीएससी एग्जाम में, और क्या जब आप कौन सा अटेम्प्ट था पहले? हाँ, ये मेरा सर लास्ट अटेम्प्ट था, 6th अटेम्प्ट था मेरा ये। अच्छा, ये आखिरी अटेम्प्ट था? आखिरी अटेम्प्ट था सर मेरा। और आखिरी अटेम्प्ट में आपने बाजी मारी? जी जी, आखिरी अटेम्प्ट। ये जो आप 6 अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, 6th अटेम्प्ट, तो जो पहला अटेम्प्ट आपने किया फेल हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो क्या आपको निराशा नहीं? सर, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, निराशा होती है, लेकिन वहीं से हमें आशा देखनी होती है। जब शुरुआत में 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करा, तो 3rd टाइम फिर मेंस लिखा, तो मैंने देखा कि 2016 में जो मेरे मार्क्स थे 17 में इंक्रीज हुए, 17 से 18 में इंक्रीज हुए, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करा कि अगर मैं थोड़ा सा और बूस्टअप करूं अपने आप को तो फाइनल सिलेक्शन ले सकता हूं, और उसी का परिणाम यह है कि आज मैं सिलेक्ट हो गया। अभी आप कहां हैं, दिल्ली में कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आप ड्यूटी जाते थे, किस तरह से तैयारियां करते थे, यहां क्या परिवार साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं? नहीं सर, यहां तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूं, जो स्पेशली तैयारी करते हैं उन्हीं के साथ रहता हूं। और फैमिली मेरी सर यूपी का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, पिलखवा सिटी से बिलोंग करता हूं मैं, फैमिली वहां रहती है, मैं लेकिन फैमिली में वीकेंड में मैं चला जाता हूं फैमिली से मिलने के लिए।